टुडे वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। ऑल आवर टीथ आर नॉट ऑफ सेम काइंड, हमारे सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टीथ, हमारे कितने प्रकार के दांत होते हैं? चार प्रकार के। एन एडल्ट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 32 टीथ, एक मनुष्य कितने दांत रखता है? मैक्सिमम 32 टीथ रखता है। वी नीड टीथ मेनली टू बाइट एंड च्यू अवर फूड, हमें दांतों की आवश्यकता भोजन के टुकड़े करने में या उसे चबाने के लिए होती है। फर्स्ट लिखा है इनसीजर्स या कटिंग टीथ। इनसीजर का मतलब होता है सीजर की तरह नुकीले दांत। देयर आर फोर फ्रंट टीथ ऑन ईच जॉ विच आर फ्लैट एंड हैव अ शार्प एज। जो आगे के फोर दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? जॉ में कहाँ होते हैं? जबड़े में होते हैं, फ्लैट होते हैं और शार्प होते हैं, नुकीले इस टाइप से। इन्हें बोलते हैं कृतंक दांत या कटिंग टीथ, भोजन को काटने का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड इनसीजर्स, इसे क्या कहते हैं? इनसीजर्स यानी कि कृतंक दांत कहते हैं। दे आर यूज टू बाइट एंड कट फूड इंटू स्मॉल पीसेज, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैनिंस, इसे बोलते हैं टीयरिंग टीथ, फाड़ने वाले दांत। ऑन बोथ द साइड ऑफ द इंसीजर्स ऑन ईच जॉ इज अ शार्प, ये कहाँ पे होते हैं? इंसीजर्स के जस्ट बगल में ये टीथ होते हैं। टू ऊपर होते हैं और टू नीचे होते हैं। दिस टूथ इज कॉल्ड द कैनिन, ऐसे दांतों को फाड़ने वाले दांत कहते हैं। देयर आर टोटल फोर कैनिन्स, कितने कैनिन्स होते हैं? फोर टीथ होते हैं इस टाइप्स के। टू इन द अपर जो, दो ऊपर वाले जबड़े में एंड टू इन द लोअर वन, और दो नीचे वाले जबड़े में। देयर आर यूज टू टीयर द फूड, जो भोजन को फाड़ने में काम आते हैं। लिखा है प्रीमोलर्स, इसे बोलते हैं क्रशिंग ग्राइंडिंग टीथ, पीसने वाले दांत। देयर आर टू ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ नेक्स्ट टू ईच कैनिन, कैनिन के बाद दो दांत कैसे होते हैं? चौड़े और फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, जिसे पीसने वाले दांत कहते हैं। देयर आर टोटल 8 प्रीमोलर्स, कितने प्रीमोलर्स होते हैं? 8, 4 इन ईच जॉ, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। दे आर यूज्ड टू क्रश द फूड, जो भोजन को पीसने के काम आते हैं, क्रश करने या चूरा बनाने। मोलर्स मीन होता है ग्राइंडिंग टीथ, पीसने वाले दांत। द लास्ट 3 टीथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जॉ एंड नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स आर द मोलर्स, प्रीमोलर्स के बाद 3 दांत ऐसे होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? मोलर टीथ। मोलर्स आर ब्रॉडर एंड फ्लैटर देन द प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स से कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं और समतल होते हैं। दे आर यूज टू ग्राइंड द फूड, जो भोजन को पीस देते हैं। देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल, पूरे कितने मोलर्स होते हैं? 12। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।